हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल जो प्रमोट करेगा आपकी हेयर ग्रोथ को, कंट्रोल करेगा आपके हेयर फॉल को, सॉफ्टनेस और शाइनिंग अलग से आपके बालों में ऐड करके जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पावरफुल हेयर ऑयल रेमेडी। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक फ्राई पैन की, जिसे अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपको गैस भी रख देना है। जी बिल्कुल, खाली फ्राई पैन को आपको मीडियम फ्लेम पर गैस भी रख देना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ये जो आपका पैन है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इसमें डालना है 1 कटोरी कोकोनट ऑयल। यहाँ पे आपको कोकोनट ऑयल यूज करना होगा क्योंकि बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो खुद इतने पावरफुल है, खुद इतने स्ट्रांग है कि अगर आप उसमें ऑयल भी थोड़ा स्ट्रांग यूज करेंगे तो उसका जो पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, हेयर फॉल कंट्रोल होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो आपको लेना है यहाँ पे कोकोनट ऑयल कम से कम, या 1 कटोरी, छोटी कटोरी जो होती है वो आपको कोकोनट ऑयल डाल लेना है। और अब आप इसमें डालेंगे कम से कम 8 से 10 लौंग। लौंग में वो कैपेसिटी होती है, वो पावर होती है कि आपकी हेयर फॉल को इमीडिएट रोक देती है और आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करना स्टार्ट कर देती है। अब आपको इसमें डालना है मेथी दाना। मेथी दाने के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा कि ये हमारे बालों की लेंथ बढ़ाता है, बालों को स्ट्रोंग करता है। तो यहाँ पे आपको 1 चम्मच मेथी दाना डाल देना है। अब आपको लेना है चिरौंजी। चिरौंजी ये बहुत छोटी काले दाने आते हैं, ये हमारे बालों के लिए एक मैजिकल काम करते हैं, हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। तो 1 चम्मच आपको यहाँ पे चिरौंजी डाल देनी है। अब आपको लेनी है 1 प्याज, जिसे आपको अच्छे से छील लेना है, थोड़ा मोटा छिलका आपको उतारना है। आपको प्याज खा लेनी है या फिर खाने में यूज कर लेनी है, जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना। और जो छिलके हैं वो आपको इसमें डाल देने हैं। छिलका जैसे मैंने बताया थोड़ा मोटा लेयर का उतारना और वो छिलके अब आप इसमें ट्रांसफर कर देना। कम से कम बॉईल करना 5 से 7 मिनट और जो फ्लेम है वो एकदम मीडियम होनी चाहिए, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे आपको इसे 5 से 7 मिनट बॉईल कराना है। जैसे ही 5 से 7 मिनट आप देखेंगे बॉईल होगा, इसकी जो गुडनेस है वो सारी जो इसमें आपने चीजें डाली है उसकी सारी गुडनेस इस ऑयल में आ गई होगी। अब आपको जो गैस है उसे बंद कर देना है और इस गर्म ऑयल को ढक के रख देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि अभी ये गर्म है, इसके अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो अभी और पावरफुल है, अभी वो अपना जो गुडनेस है इसमें छोड़ने के लिए रेडी है। तो आप इसे ढक के रख देना ताकि ये जो और जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से और थोड़े बॉइल हो जाएंगे। अभी आप इसे ढक के रखा रहने दो और तब तक अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लो, अपने बालों को सुलझा लो, क्योंकि अब आपके बालों में एक भी गांठे नहीं होनी चाहिए, बाल अच्छे से सुलझे हुए होने चाहिए। अब आपको इसे कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद आपको एक छलनी लेनी है, उसकी हेल्प से इसमें से जो ऑयल है वो आपको निकाल लेना है। अब आप देखेंगे जो ऑयल आपने आधी कटोरी रखा था वो उससे आधा हो चुका होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ऑयल आपका जल चुका होगा, तो आधा ऑयल हो गया होगा, उसे आपको छान के रख लेना है। आप इसे 10 दिन के लिए भी, 10 से 15 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसका कुछ खराब नहीं होता। लेकिन हाँ, इसकी जो स्ट्रॉन्ग जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप इसे एयर टाइट डब्बे में फिल करके फ्रिज के किसी कोने में आप इसे रख देना, और जब भी आपको अप्लाई करना हो डबल मेथड से इसे बॉईल कर लेना। एक बर्तन में गर्म पानी लेना, उसमें एक कटोरी में, कांच की कटोरी में इसे रखना, उसमें इसे रख देना, ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप इसे रीअप्लीकेट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसे जो आपने ये ऑयल निकाला है इसे अच्छे से अपने बालों की जड़ों पर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे बालों की ग्रोथ जड़ों से होती है, हमारे बाल स्ट्रॉन्ग जड़ों से होते हैं। तो हमें अपने बालों की जड़ों पर ध्यान देना है, जड़ों पर अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करना जैसे भी आप करते हैं अच्छे से, हाथों को बहुत लाइट रखना, लेकिन मसाज अच्छे से करना कम से कम 5 से 7 मिनट, अराउंड 10 मिनट तक भी आप अच्छे से अपने फेस को, अपने बालों को मसाज कर सकते हैं। अच्छे से मसाज करो और उसके बाद में अगर आप चाहे, जैसे मैंने लेंथ पे भी अप्लाई किया था, क्योंकि लेंथ भी हम मेरी अगर बालों की मेरी अब टच हुड लेंथ अच्छी खासी है, तो वो नीचे से थोड़ी ऐसे ड्राई हो रखी थी, तो मैंने बालों की लेंथ पे भी इसे अच्छे से अप्लाई किया था। तो आप चाहे तो बालों की लेंथ पे भी इसे अप्लाई कर लो। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेंथ पे भी अप्लाई करना है, मेन आपको जड़ों पर इसे अप्लाई करना है। आप छोड़ दो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए और आप ये जो काम है आप उसे करते रहो। 2 से 3 घंटे में इसकी जितनी भी गुडनेस है आपकी जड़ों में वो पहुंच जाएगी और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। अब आपने 2 से 3 घंटे बाद कोई भी नॉर्मल शैम्पू लेना है, पानी के साथ उसे डाइल्यूट करना है और अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। बालों को हमेशा सर पे हमें शैम्पू यूज करना चाहिए, हमारे लेंथ पे हमें शैम्पू कभी यूज नहीं करना चाहिए।
अगर आपने हेयर ऑयलिंग कर रखी है तो अपने बालों की लेंथ पे शैम्पू अप्लाई करो, अदरवाइज अपने बालों की जड़ों पे अप्लाई करो, जिससे हमारी सारी जो जड़ों की गंदगी है, जितनी भी डस्ट है, जितना भी जो पोल्यूशन है, वो सब कुछ क्लीन हो जाता है। क्योंकि शैम्पू का मेन काम होता है बालों को क्लीन करने का। अब आपने माइल्ड शैम्पू ले लेना है, उससे बालों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आप यूज करते हैं तो कंडीशनर अप्लाई कर लेना, अगर आप नहीं करते हैं तो मत करना। अब आपको इसे छोड़ दे, अब आपका काम हो गया है खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, बट उससे पहले मैं फिर से कहूंगी, इफ यू आर न्यू और आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर कर लेना। सो गाइस, अब आपको मैं देती हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि जब भी हम कोई रेमेडी अप्लाई करते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम इसे कितनी बार अप्लाई करें। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल है, आप इसे हफ्ते में 3 बार अप्लाई करो, 3 बार आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश करो। अगर आपको नॉर्मल हेयर फॉल है, आप हफ्ते में 2 बार इसे अप्लाई करो। अगर आपको हेयर फॉल नहीं है, आप हेयर की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसे हफ्ते में 1 बार अप्लाई कर लो। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई आपने ऐसी चीज यूज नहीं की है जिससे इसका कोई साइड इफेक्ट आपको दिखेगा, तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 1 बार, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। हम क्या इसे बड़े यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसे बड़े, बच्चे सब यूज कर सकते हैं। बच्चे से मेरा मतलब है आप 10 से 15 साल के अगर है तो ही आप इसे यूज करना, उससे कम एज में। बालों में इतनी ज्यादा हैवी चीजें हमें नहीं यूज करनी चाहिए, तो अगर आप अराउंड 10-15 साल के हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसे दोनों यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ नहीं होता है। ये आपकी हेयर को ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और आपके हेयर में एक अलग सी शाइन ऐड कर देता है। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसे एप्लीकेट करना। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स।